राजस्थान सरकार के 4 साल और किशनगढ़ बाग विधानसभा से विधायक एवं राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर चर्चा हुई, जिसको लेकर विभिन्न गणमान्य लोगों ने कोटकासिम कस्बे के क्षेत्र के आमजन के लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं। रहा विकास कार्य जितने 4 साल में हुए हैं, 30-40 साल में भी इतने विकास कार्य नहीं हुए, और जो विधायक जिन खैरिया जिन जो काम कराए वो ऐतिहासिक काम कराए। आपके क्षेत्र में कोटकासिम क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं? हमारे क्षेत्र में मेन रोड किशनगढ़, कोटकासिम से किशनगढ़ और कड़ी गोड़ी तक अभी सेंक्शन कराया है। आलमपुर से भगाना, बड़सरा से चाचियावास, वो भगाना से मेवली की तरफ बहुत कितने गणों बहुत ज़्यादा है। नगर कोटकासिम में नगर पालिका बनवाई और काफ़ी बजट भी आ रहा है, खूब विकास कार्य हो रहे हैं। और अभी ये रोड आए कोटकासिम में खेतों 2.5-3 करोड़ की, बहुत विकास कार्य कर रहा है। बढ़िया और कार्यकाल विधायक का रहा है। और यहाँ ऐसा है, मेरे तो मेरे इस विधानसभा कोट किशनगढ़ में जितने भी जो विकास कार्य हैं, सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं किसी MLA ने नहीं कराए, जबकि यहाँ 9 CHC खुलवा दी है। और किशनगढ़ विधानसभा में ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं जिसमें 4 तहसील ना खुली हो। कोट किशनगढ़ में विधानसभा क्षेत्र में 4 तहसील खुली है, कहीं तहसील में कहीं विधानसभा क्षेत्र में 4 तहसील नहीं है। और इस कोटकासिम में नगर पालिका बनाई है एक, और हैतल में अस्पताल खोला है, ऐसे घड़े ही काम कराए। 4 साल का कार्यकाल बहुत ही भारी रहा, जो 10 साल से कार्य नहीं हुए थे हमारी ग्राम पंचायत उडोली में। पानी की समस्या थी, वो विधायक साहब ने दूर करवाई, 2-3 सीवर लाइन दबवाई गंदे पानी की, और बहुत ही विधायक साहब ने बजट दिया दिल खोल के मेरी ग्राम पंचायत उजोली को, और सभी 6 के 6 गांव बहुत खुश है विधायक साहब के कार्य शैली से। और हम तो यही करते हैं विधायक साहब आने वाले 23 में भी माननीय दीपचंद खैरिया ही विधायक बने। रहा जो 10 साल पूर्व विधायक रहे उनसे बहुत अच्छा रहा। क्या क्या विकास कार्य हो पाए आपके, और क्या अभी उम्मीद लगाई है आपने, क्या हो सकता है? जो यहाँ 50 सालों में नहीं हुई, खेत तो भंवर साहब ने करवाया था, फिर दीपचंद खैरिया साहब ने करवाया, ये सेटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल, कन्या महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय भगाना में 2.5 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरपंच ने बिल जमीन दान किए, कोटकासिम नगर पालिका, खैरतल नगर पालिका। 4 सालों में राजस्थान सरकार और आपके विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, विधायक जी की विशेष मेहरबानी रही है कोटकासिम पर, तो ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनाया, ग्राम पंचायत कोटकासिम को नगर पालिका कोटकासिम बना दिया। जो संस्कृत कॉलेज था हमारा, वो वर्षों से स्वघोषित चला रहा था, उसको भी PG कॉलेज करा दिया उन्होंने, और काफ़ी बजट दिए, काफ़ी काम कराए विधायक साहब ने। हॉस्पिटल में भी काफ़ी सुविधाएँ कराने के प्रयास कर रहे हैं, आज भी उनके प्रयास जारी हैं। अब मतलब उन्होंने अपने टाइम में पूर्व विधायक से कहीं ज़्यादा काम कराए। अभी और क्या उम्मीद है, अभी एक बजट और आना बाकी है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि विधायक साहब उसमें कोटकासिम नगर पालिका को विशेष बजट दिलाएंगे, ताकि कुछ यहाँ पे जो कमियाँ, जैसे 2-3 नालों की आवश्यकता है, अब नाले जहाँ गंतव्य गंदा पानी है जो गंतव्य स्थान पे पहुँच जाए, तो करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच में उन नालों का निर्माण कार्य होना है। तो मेरी विधायक साहब से यही कामना रहेगी कि वो इसमें नगर पालिका में बजट दिलाए, ताकि अपने गंदे पानी की निकासी करके लोगों को निजात दिला पाए। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल और किशनगढ़ बाग विधायक दीपचंद खैरिया के कार्यकाल को लेकर आज हमारी टीम किशनगढ़ बाग विधानसभा के कस्बे कोटकासिम में पहुंची और गणमान्य लोगों से वार्ता की। किसी ने कहा कि कोटकासिम क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले बजट में लोगों को और भी उम्मीद है कि विधायक दीपचंद खैरिया कुछ और कोटकासिम क्षेत्र को सौगात देंगे। कोटकासिम किशनगढ़ बाग से पब्लिक वाइज के लिए सुनील कांत।
राजस्थान।